हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई हॉरर मूवी इन फैब्रिक के बारे में। इस फिल्म की स्टोरी एक लाल कलर की ड्रेस के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे काफी सारे लोगों ने खरीदा, पर ये जिसके पास भी गई उसकी मौत का कारण बन गई। अब क्या था इस ड्रेस में, ये हम आगे जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं शीला को, जो एक बैंक में काम करती है। शीला एक डाइवोर्सी है और हाल ही में उसका तलाक हुआ है। वो अपने बेटे विंस के साथ रहती है। हम यहाँ देखते हैं कि शीला को आमतौर पर अपने बॉसेस टैश और क्लाइव से डांट पड़ती रहती है, और उसकी गलती ना होने के बावजूद उसे ये सब सुनना पड़ता है, क्योंकि अपने घर में कमाने वाली वो अकेली थी। अब चूंकि वो सिंगल होती है, वो डेट पे जाने के लिए न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखती है, फिर उस अननोन पर्सन को अपनी फोटोग्राफ्स भेजती है और मिलने का प्लान बनाते हैं। इधर उसका बेटा विंस उसे अपनी गर्लफ्रेंड ग्वेन से मिलाता है। खैर, शीला घर में काम कर रही होती है कि टीवी पे उसे एक सेल्स की एड दिखाई देती है, जो काफी अट्रैक्टिव होती है। तो वो अपकमिंग डेट के लिए अपने लिए कुछ कपड़े लेने स्टोर में जाती है। वहाँ शॉपिंग करते वक्त उसकी मुलाकात स्टोर क्लर्क मिस लकमूर से होती है, जो उसकी शॉपिंग करने में मदद करती है और उसे एक बहुत ही सुंदर लाल कलर की ड्रेस दिखाती है। शीला को पहली नजर में ही वो ड्रेस काफी अच्छी लगती है, तो वो उसे ट्राई करके देखती है। मिस लकमूर भी उसे कहती है कि अगर तुम डेट पे इसे पहन कर जाओगी तो तुम याद करोगी। शीला कन्विंस हो जाती है और वो ड्रेस खरीद लेती है और बैंक में अपनी कलीग्स को भी दिखाती है। फिर वो अपने घर आ जाती है और रेडी होकर अपने बेटे विंस को कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, डिनर फ्रिज में पड़ा है, खा लेना। इतना कहकर वो चली जाती है। उधर हम देखते हैं मिस लकमूर को, जो किसी को शीला का नाम, पता और फोन नंबर लिखाती है, और यहाँ हम उसे कुछ जादुई पोस्टर करते हुए देखते हैं, जैसे वो किसी पे स्पेल कर रही हो। खैर, शीला रेस्टोरेंट पहुँचती है और उस आदमी से मिलती है, पर वो थोड़ा अजीब ही किस्म का होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर उसका बिहेवियर थोड़ा रूड सा होता है, जो शीला को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो समझ जाती है कि इसके साथ मेरी नहीं बनेगी, तो वो उसे रिजेक्ट करके घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद जब वो ड्रेस उतारती है तो उसे अपनी चेस्ट पे एक रैश नजर आता है, पर वो इसे इग्नोर कर देती है। आगे वो देखती है कि ग्वेन रात से उसके घर में ही थी, तो वो अपने बेटे को कहती है कि मुझे ग्वेन का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, और ये बात जितनी जल्दी तुम समझ लोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। आगे शीला वो ड्रेस धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डालती है, पर यहाँ एक बड़ी अजीब चीज होती है। मशीन से बड़े जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं और कुछ देर बाद मशीन ही टूट जाती है। ये देखकर वो मशीन बंद करने की कोशिश करती है, पर इस सब में उसका हाथ कट जाता है और वो इंजर्ड हो जाती है। खैर, आगे उसके बॉसेस फिर से उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं, और इस बार वो कहते हैं कि उन्हें उसका कस्टमर के साथ हाथ मिलाने का तरीका पसंद नहीं आया। वो उसे एक पैम्फलेट देते हैं जिसमें हाथ सही ढंग से कैसे मिलाना चाहिए दिखाया गया होता है। शीला बेचारी अंदर ही अंदर से घुटने लगती है, पर कुछ कह नहीं पाती और कहती है कि वो खुद को सुधारने की कोशिश करेगी। आगे वो ड्रेस का साइज चेंज करवाने स्टोर में वापस आती है, पर यहाँ उसे पता चलता है कि उस ड्रेस का सिर्फ एक ही वर्जन था जो उसके पास था, और उसे ये भी पता चलता है कि जिस मॉडल ने उस ड्रेस के लिए मॉडलिंग की थी वो कुछ टाइम बाद मारी गई। ये सुनकर उसे बहुत अफसोस होता है। आगे वो एक दूसरे आदमी जैक के साथ डेट पे जाती है। जैक काफी खुश दिल इंसान होता है और बड़े अच्छे से उसके साथ बात करता है। शीला उससे बहुत इम्प्रेस होती है और मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। उधर दूसरी तरफ विंस और ग्वेन घर में अकेले होते हैं और इंटीमेट होते हैं। जैसे ही ग्वेन क्लाइमेक्स पे पहुंचती है कि ड्रेस फ्लोट करती हुई वहां आ जाती है और ग्वेन को मारने की कोशिश करती है। ग्वेन को लगता है कि शायद ये उसका भ्रम है, पर वो सहम जाती है। इधर डांस करते वक्त दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर बातों ही बातों में शीला कहती है कि मुझे ये ड्रेस बड़ी अजीब सी लगती है, तो जैक कहता है कि मुझे ये पहन कर दिखाओ, तुम पे ये अच्छी लगेगी। शीला पहले थोड़ा हेजिटेट करती है, पर बाद में उसे पहन कर दिखाती है। उसके बाद दोनों आपस में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। अब अगले कुछ सीन्स में हम ड्रेस को अपने आप हवा में फ्लोट करते देखते हैं। ड्रेस अपने आप एक रूम से दूसरे रूम में ट्रेवल करने लगती है, और रात को अलमीरा से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर शीला डर जाती है। अगली सुबह जब दोनों वॉक कर रहे होते हैं कि एक एल्सेशन कुत्ता उन पे अटैक कर देता है, जिसमें उसकी टांग जख्मी हो जाती है और उसकी ड्रेस बुरी तरीके से फट जाती है। लेटर ऑन जब शीला और जैक घर में अकेले होते हैं तो विंस बाहर से उस ड्रेस के साथ आता है और अपनी माँ को वह ड्रेस देता है, पर शीला कहती है कि ये ड्रेस फट चुकी है, इसे कूड़ेदान में फेंक दो। पर विंस कहता है कि ये बिल्कुल नए जैसी है और उसे ड्रेस दिखाता है। शीला ड्रेस देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो ड्रेस बुरी तरीके से फट चुकी थी और अब ऐसे लग रही थी जैसे अभी नई खरीदी हो। खैर, अगली सुबह वो ड्रेस वापस करने स्टोर पे जाती है, पर मिस लकमूर उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास ड्रेस की रिसीप्ट नहीं होती। तो मजबूरन शीला वो ड्रेस वापस ले जाती है, और आज रात वो जैक के साथ रुकने का प्लान बनाती है और रात को विंस को बताकर उसके घर की तरफ रवाना हो जाती है।
रास्ते में वो ड्रेस उसके सूटकेस से निकलकर हवा में तैरने लगती है। तभी बीच रास्ते में उसे एक मैनिक्विन दिखाई देता है। वो कसकर ब्रेक लगाती है पर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो उसमें मारी जाती है। पुलिस उसके बेटे विंस को फोन करके इस घटना की सूचना देती है। अब इस घटना के कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो ड्रेस फिर से एक स्टोर में वापस आ जाती है, जहां से एक वॉशिंग रिपेयरमैन रेड स्पीक्स उसे अपनी मंगेतर के लिए खरीद लेता है। यहां पार्टी के दौरान उसके दोस्त उसे बहुत ज्यादा शराब पिला देते हैं और फिर उसे फोर्स करते हैं वो ड्रेस पहनने के लिए। रेड उसे पहनता है और सब उसे छेड़ने लगते हैं, पर वो शराब इतनी ज्यादा पी लेता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन होश आने पे उसकी मंगेतर उसे मिलने आती है। यहाँ हम वैसा ही रैश उसकी चेस्ट पर भी देखते हैं जैसा शीला को ड्रेस पहनने के बाद हुआ था। इसके बाद काम के वक्त उसे अपने बॉस से डांट पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे शीला को पड़ती थी। अब ये कोइंसिडेंस था या ड्रेस की वजह से हो रहा था, इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। फिर वो अपनी क्लाइंट के पास जाता है मशीन रिपेयर करने। वो क्लाइंट उस पे डोरे डालने की कोशिश करती है, पर रेज वन गर्ल मैन होता है और वो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तो ड्रेस उनके बिस्तर पे फ्लोट करने लगती है जैसे वो उन्हें देख रही हो। एनीवेज अगली सुबह उसकी मंगेतर उसे ड्रेस पहनकर दिखाती है जो उसे बिल्कुल फिट आती है, और बाद में वो उसे वॉशिंग मशीन में डालकर कुछ और कपड़ों की खरीदारी के लिए उसी स्टोर में जाते हैं। वापस आने पर वो देखते हैं कि वॉशिंग मशीन पूरी तरह से टूट चुकी थी और सब कपड़े बिखरे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। खैर वो ड्रेस को सूखने के लिए डालता है और मशीन ठीक करने लगता है, पर अगले दिन उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है ये कहते हुए कि उसने अपनी मशीन ठीक की पर हमें नहीं बताया, जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ था। अब एक तो रेज के पास नौकरी नहीं थी और दूसरा वो अपनी मंगेतर को हनीमून पे ले जाना चाहता था, तो वो कुछ लोन लेने उसी बैंक में वापस जाता है जहां शीला काम करती थी। वहां स्टैश और क्लाइव उसे अपने साथ काम करने को कहते हैं, पर कोई बात ना बनती देख वो घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद वो टीवी देखने लगता है जिसमें उसी स्टोर की एड देखकर वो हिप्नोटाइज हो जाता है। उधर बैब्स रेज की मंगेतर कुछ कपड़े लेने उसी स्टोर में जाती है, पर मिस लकमूर उसे कहती है कि स्टोर की टाइमिंग खत्म होने वाली है, तुम शॉपिंग नहीं कर सकती। यहाँ दोनों में कुछ बहस होती है। फिर वो बूढ़ा स्टोर क्लर्क मिस लकमूर के साथ बात करता है तो मिस लकमूर बैब्स को कहती है कि स्टोर की टाइमिंग बढ़ा दी गई है, आप शॉपिंग कर सकती हैं। यहाँ बैब्स मिस लकमूर को अपने वियर्ड सपने के बारे में बताती है, जिसमें वो बताती है कि वो स्टोर की मॉडल है और जैसे जैसे वो बड़े साइज के कपड़े पहनती जाती है वैसे वैसे उसका अपना साइज कम होता जाता है, और लास्ट में स्टोर वर्कर उसे वहीं दफना देते हैं। मिस लकमूर उसकी बात हंसी में टाल देती है, पर डीप डाउन उसे पता होता है कि वो किस बारे में बात कर रही थी। आगे शॉपिंग करते वक्त जब बैब्स दूसरी ड्रेस पहनकर देखती है तो उसकी अपनी ड्रेस खुद खिसक कर बाहर चली जाती है, और एक कस्टमर उसे लावारिस देकर हैंगर पे टांग देती है, पर कुछ देर बाद वो एक हीटर पे गिर जाती है। इधर काउंटर में बिलिंग के दौरान दो औरतें आपस में भिड़ जाती हैं और मारपीट करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि स्टोर में लूट शुरू हो जाती है और जिसके हाथ जो लगता है वो लूट कर ले जाता है। कुछ देर बाद उस ड्रेस में आग लग जाती है जिससे सारा स्टोर जलने लगता है। बैब्स चेंजिंग रूम में फंस जाती है और उसके डोर का हैंडल टूट जाता है जिससे वो वहीं जलकर मर जाती है। उधर घर में रेज कार्बन मोनोक्साइड गैस लीक होने से मर जाता है। दरअसल जब बैब्स बॉयलर की सेटिंग चेंज कर रही थी तो ड्रेस उस बॉयलर की सेटिंग्स मैनिपुलेट कर देती है जिससे उसमें से कार्बन मोनोक्साइड गैस लीक होने लगती है और रेज मारा जाता है। इधर आग की वजह से पूरा स्टोर धू धू कर जलने लगता है। मिस लकमूर एक मैनिक्विन के साथ एलिवेटर से स्टोर के नीचे चली जाती है। अब जैसे जैसे वो नीचे जाती है उसे वो सब लोग दिखाई देते हैं जिनके पास पहले वो ड्रेस थी। जैसे सबसे पहले उसे वो मॉडल दिखाई देती है जिसने उस ड्रेस के लिए मॉडलिंग की थी। फिर वो शीला को देखती है, फिर रेज को और फिर बैब्स को। ये सब लोग अपने खून से बने धागों से उस ड्रेस को सिल रहे होते हैं। मिस लकमूर सबको देखकर बहुत खुश होती है। वो आगे खाली पड़ी मशीनों को भी देखती है जिन्हें उसके मालिक का इंतजार होता है, मतलब अभी और भी लोग थे जो उस ड्रेस की चपेट में आने वाले थे। लास्ट में जब पूरा स्टोर जलकर खाक हो जाता है तो एक फायरमैन को वो ड्रेस मिलती है। वो बिल्कुल नई होती है और ऐसा लगता है जैसे वो अभी अभी बनकर आई हो, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये कहानी थी एक खूनी ड्रेस के बारे में जिसे पहनने वालों की किसी न किसी कारण मौत हो जाती है, और वो मरने के बाद अपने खून से बने धागों से एक नई ड्रेस बनाते थे ताकि कोई और उसे पहने और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। ये उन कहानियों में से एक थी जो बचपन में हमें दादी नानी सुनाया करती थी। इसका फर्स्ट पार्ट काफी एक्साइटेड था, पर सेकंड पार्ट तक आते आते ये बोर करने लगती है। तो मेरी माने पॉपकॉर्न खाएं, समय बचाएं और मूवी एंजॉय करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।